अरे गंजे, चश्मा लगा के आया है तू? हीरो बन रहा है? ओए ज्यादा ना बोल, कल ही मैं 5 रुपए का चश्मा लेके आया हूँ। मुझे पता था मुझे देख के तुम लोगों की जलेगी। जली ना, पहन कर बनूंगा हीरो। अरे यार मुझे भी दे दे, थोड़ी देर के लिए मैं भी पहन लूं। ओए गंजे, चश्मा लगा के ना तेरा मुंह पूरा टट्टी की तरह लग रहा है। ओए मोनू, ज्यादा बकवास मत कर वरना उठा के यहीं पटकूंगा। डरता नहीं हूँ तेरे से, ज्यादा मुंह मत फाड़। कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है तू 5 रुपए का चश्मा पहन के? जाके अपने सीट पे बैठ जा, तेरा इलाज करने वाला हूँ जल्दी ही, टेंशन मत ले तू। आज सुना हूँ कि कोई नया टीचर आ रहा है हमारे स्कूल में। सुना हूँ सबसे पहले हमारी क्लास में आएगा। यार इस प्रिंसिपल का तो दिमाग खराब है, नए टीचर बुलवाता रहता है। यार तू समझ नहीं रहा है हमारा काम क्या है। वो नया टीचर बुलाता रहेगा और हम उसे भगाते रहेंगे। लग रहा है आ रहा है यार, चुप हो जा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन। हाँ तो बच्चों, आज मेरी पहली क्लास है तो थोड़ी जान पहचान कर लें, इंट्रोडक्शन कर लें। तो चलिए इधर से शुरू करते हैं। Myself बिक्की कुमार, आई एम बिकम IPS ऑफिसर। वाओ नाइस नाइस, बैठिए। अरे यार हिंदी में नहीं बोल सकता था, अब हम लोगों को भी इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। तू सही बोल रहा है समोखन, अभी तो हमने सोचा ही नहीं था कि हमें बनना क्या है, अब जो बनना है इंग्लिश में ही बनना पड़ेगा। नेक्स्ट, माय नेम इज रिंकू एंड आई वांट टू बिकम ए इंजीनियर। नेक्स्ट, मायसेल्फ राहुल, आई वांट बिकम ए डॉक्टर। समोखन मुझे एक बात समझ आया जो इनका सीक्रेट है। क्या? बस ये जो बोल रहे हैं वही लाइन बोलना है, लास्ट का चेंज कर दो बस, कि तुम्हें क्या बनना है। वेरी सिंपल। वाओ गुड आइडिया, क्या दिमाग लगाया है। आई वांट टू बिकम, 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 आई वांट टू बिकम। नेक्स्ट, माय नेम इज अय्यर। अच्छा अय्यर, वेणुगोपाल अय्यर। अच्छा वेणुगोपाल अय्यर, चिन्न स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर। बनना क्या चाहते हो? माय फादर इज अ डॉक्टर, माय मदर इज अ नर्स। अरे तू क्या बनना चाहता है? आई वांट टू बिकम ए पुलिस ऑफिसर। अच्छा बैठ जा। नेक्स्ट, माय नेम इज सुमित एंड आई बिकम ए एडवोकेट। नेक्स्ट, माय नेम इज ज्योति एंड आई बिकम ए एयर होस्टेस। यस आप बोलिए। माय सेल्फ इज मोनू एंड आई वांट टू बिकम ए फौजी। क्या तुम फौज में जाना चाहते हो? नहीं, हाँ, नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब आई वांट टू गो टू फौज। एंड व्हाई आर यू गोइंग टू आर्मी? क्या बोल रहा है यार? अरे ये पूछ रहे हैं तुम आर्मी ज्वाइन क्यों करना चाहते हो? आर्मी? लेकिन मैं कहाँ बोला कि मैं आर्मी में ज्वाइन करूँगा? अरे भोंदू, फौज का मतलब आर्मी होता है। सर बिकाउज आर्मी प्राउड बाई अस, आर्मी सेव एवरी डे आवर लाइफ। अरे क्या बोल रहा है, सेव नहीं सेव्ड होता है। वही वही तो बोल रहा हूँ मैं, सेव। अच्छा अच्छा सिट डाउन, बैठो। यस आप बताइए। माई सेल्फ समोखन एंड आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। वाओ नाइस नाइस, एंड व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? फेवरेट सब्जेक्ट भूगोल। क्या भूगोल? अच्छा ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ। नेक्स्ट आप बोलिए। सर मेरा नाम पप्पू है, मैं सोचा नहीं हूँ क्या बनना है। क्यों? सर वो कोई पूछा नहीं तो मैं सोचा नहीं क्या बनना है। अरे अभी तो पूछ रहा हूँ, इतनी देर से क्या कर रहे थे अभी तक? सर सोचा तो था कुछ पर उड़ गया सब, इंग्लिश में था ना, भूल गया सर। ठीक है बैठो। यस साथ वाला। सर जी मेरा नाम है राजू और मैं टीचर बनना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन कहाँ के टीचर बनना चाहते हो, स्कूल के, कॉलेज के या फिर कोचिंग सेंटर के? अरे पप्पू अलग अलग होते हैं क्या? हाँ रे सब अलग अलग होते हैं। सर जी रहने दो, दुकान धंधा करूँगा, फैमिली बिजनेस। चल ऐसा कर बैठ जा। अच्छा बच्चों तो टाइम ज्यादा हो रहा है, सभी अपना अपना नाम बता दो, बाकी कल देखेंगे। माय नेम इज गोलू, बबली, लाला, मजनू, गोटिया, लोखा। अरे बहुत डेंजर नाम है रे तुम्हारी क्लास में। अच्छा चलो अब पढ़ाई लिखाई भी चेक कर लेता हूँ। समोखन इस टीचर के किसी भी सवाल का सही जवाब मत देना, इस टीचर को भगाना है।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा। चलो, क्या नाम है आपका? मोनू। खड़े हो जाओ। ओ सर जी, बैठे बैठे पूछ लो जी, घुटना दर्द हो रहा है, खड़े होने को मत बोलो। ऐसे नहीं मानोगे, खड़े होगे कि पहले तेरे से ही शुरुआत करूं? तुम लोग ना जितना सिंपल मेरे को समझ रहे हो उतना सिंपल हूँ नहीं मैं। मैं अपने बारे में तो तुम लोगों को बताना ही भूल गया। मेरा ना 10 से 15 स्कूलों में बदली हो चुकी है, और ये बदली मैंने नहीं कराया है, वहाँ के बच्चों के माँ बाप ने करवाया है। इतना मैं बच्चों को मारता था, तो जितना मासूम मैं दिखता हूँ उतना मासूम हूँ नहीं। तो सब लोग सतर्क रहो, चौकन्ने रहो। रहने दो आप इंट्रोडक्शन, सवाल पूछिए अपना बस। वैसे जितने मासूम हम भी दिखते हैं ना, उतने हैं नहीं। क्या रे, मुझे धमकी दे रहा है? नहीं सर, नहीं, धमकी नहीं है। आप ऐसा कीजिए, वार्निंग समझ लीजिए। पर आप ये सब छोड़िए, आप सवाल पूछिए। पूछो, आप सवाल पूछो। लगता है ना, क्लास में तुम ही दोनों सबसे पहले मेरे हाथों से प्रसाद खाओगे। अभी से भविष्यवाणी कर रहा हूँ। चल रे, तू बता, बहुत ही सिंपल सवाल है। मान ले तेरे पास 10 टाफी है, और 5 टाफी तूने मुझे दे दिया, तो तेरे पास कितने टाफी बचे? 10 टाफी बचे, और कितने? एकदम बेवकूफ ही है क्या तू? जब तू 10 में से 5 मुझे दे देगा, तो तेरे पास 10 कैसे बचेंगे? मैं बेवकूफ नहीं हूँ, लेकिन तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो। मैं अपने 5 टाफी तुम्हें क्यों दूंगा? मैं अभी छोटा हूँ, तो तुम मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो? तू ज्यादा दिमाग मत लगा अपना। ऐसा कर, तू मुझे मत दे, मैं तुझे देता हूँ। हाँ हाँ, लेने के लिए तो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, जो देना है दो। मान ले मेरे पास 5 लड्डू हैं, बेसन वाले, उसमें से 3 तुझे दे दिया, तो बता मेरे पास कितने लड्डू बचे? तुम्हारे पास 5 बचे सर जी। अरे एकदम बकलोले है क्या तू? जब मैंने 5 में से 3 तुझे दे दिया, तो 2 ही बचेंगे ना मेरे पास। सर जी, मुझे लगता है या तो बेवकूफ हो आप, या तो सिरिया गए हो। आपने मुझे लड्डू कब दिया? अरे मान ले रे, मानने में तेरे बाप का क्या जाता है? जब आपने मेरे को लड्डू दिए ही नहीं, तो कैसे मान लूं? और रही मानने की बात, तो मैं मानता तो अपने बाप की नहीं हूँ, तो तुम्हारी कहाँ से मान लूंगा? ज्यादा बकवास मत कर, दोनों हाथ ऊपर करके खड़ा हो जा, करता हूँ अभी तेरी सेवा में। चल रे, तू खड़ा हो जा। क्या हो गया सर जी, बोलो। हुआ तो कुछ नहीं है, सवाल पूछ रहा हूँ, उसका सही सही जवाब दे देना, नहीं तो आगे पता नहीं क्या क्या होगा। ये बता, अगर 5 और 5 को जोड़ दिया जाए तो कितना होगा? सर, ये सब मुझे पता नहीं है, क्यों परेशान कर रहे हो? और उन 5-5 को भी परेशान कर रहे हो? दोनों को अलग अलग रहने दो, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा और वो 5-5 भी परेशान होंगे। क्या सर, आप भी आराम से जीने दो और जियो। यहाँ पे तो एक से बढ़ के एक नालायक और बेवकूफ बैठे हुए हैं। किस्मत भी अच्छी है तुम्हारी, आज तो बच गए, नेक्स्ट टाइम देखता हूँ तुम्हें मैं। कहाँ जा रहे हो सर? अरे रहने दे, जाने दे यार, जाने दे। अब मेरा पीरियड खत्म हो गया है, अब विज्ञान वाले मास्टर आएंगे, वो पढ़ाएंगे। तुम क्यों नहीं पढ़ाओगे विज्ञान? मैं विज्ञान का मास्टर नहीं हूँ, तो मैं विज्ञान कैसे पढ़ा सकता हूँ? तो सर जी, जब एक टीचर सब सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता है, तो फिर एक स्टूडेंट से आप लोग सब सब्जेक्ट क्यों पढ़वाते हो? ये तो बहुत नाइंसाफी हो रही है हमारे साथ, घोर अन्याय हो रहा है। हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, सर जी हमें न्याय चाहिए। आ जा मोनू, आ जा तू इधर, सबसे पहले तेरे को न्याय दे देता हूँ, फिर जाता हूँ। समोखन, मैं न्याय लेने जा रहा हूँ, तुझे भी चलना है तो चल मेरे साथ न्याय लेने। अरे मोनू, तू ही ले ले न्याय, तू मेरा पक्का दोस्त है ना, तू पहले ले ले, फिर मैं किसी और दिन ले लूंगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ न्याय लेने, आज मैं ले लेता हूँ, तू किसी दिन और ले लेना। जा जा। हाँ जी, लाइए न्याय। ये ले न्याय, ये ले, ये ले, ये ले न्याय। सर्दी, सर्दी बहुत दर्द हो रहा है जी, नहीं चाहिए न्याय, मिल गया न्याय मेरे को जी, जान गया न्याय कैसा होता है, बस करिए सर, मेरे को न्याय नहीं चाहिए। नहीं, ये ले न्याय, ले ले न्याय, ले, और किसी को चाहिए? आ जाओ।